दोस्तों रिसेंटली मैंने अपने Zenfone Max Pro M1 पे AOSP Android 11 ROM फ्लैश किया था, जो कि काफ़ी लाइट वेट रोम था, इंस्टॉल होने में भी उसने ज़्यादा समय नहीं लिया था और बूट भी बहुत जल्दी हो गया था। लेकिन उसके बारे में मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ, क्या अच्छी चीज़ें मुझे लगी हैं, क्या बुरी चीज़ें लगी हैं। तो ये बेसिकली एक रिव्यू वीडियो होने वाला है। तो मैंने इस रोम को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया अपने फ़ोन पे, कुछ टाइम तक यूज़ किया था, ऐसा क्यों वो भी आपको इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं, क्या कुछ अच्छी चीज़ें हमें इस रोम के अंदर मिली थी उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो प्रोज की बात करें तो कुछ चीज़ें इस रोम के अंदर अच्छी हैं। सबसे पहली बात करते हैं DRM इन्फॉर्मेशन की, यानी कि आपको वाइड वाइन L1 का जो सर्टिफिकेट होता है वो अपने डिवाइस पे इस रोम के साथ में मिल जाता है, यानी कि आप कोई नेटफ्लिक्स या अमेजोन प्राइम या फिर कोई भी ऐसी अगर सिमिलर एप्लीकेशन पे ब्राउजिंग कर रहे हैं तो वहाँ आपको HD में स्ट्रीमिंग मिल जाएगी देखने को, वो आपका SD तक ही सीमित नहीं रहेगा, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ लगी है मुझे इस रोम की। इसी के साथ बात करते हैं सिक्योरिटी लेवल की, तो यहाँ पे आपको 5 सितंबर का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है, जो कि अभी के हिसाब से लेटेस्ट है, मतलब सिक्योरिटी में भी आपका ये रोम काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी। इसमें सिक्योरिटी को लेकर के आपकी कोई वल्नरेबिलिटीज आपको नहीं मिलने वाली है। और इसी के अलावा बात करते हैं कैमरा 2 API की, तो देखो कैमरा 2 API मैंने अपने डिवाइस पे काफी समय पहले इनेबल किया था, इसके बाद में मैंने काफी सारे अपने फोन के ऊपर जब भी कस्टम रोम्स ट्राई करी या फिर फोन को अपडेट किया डाउनग्रेड किया तो कैमरा 2 API मुझे हमेशा इनेबल मिला, मेरे फोन पे कभी डिसेबल नहीं हुआ। तो यस इस रोम के अंदर भी आपको कैमरा 2 API इनेबल मिल जाता है। बात करते हैं रैम मैनेजमेंट की, तो काफी अच्छा आपको इस रोम के अंदर देखने को मिल जाता है। सबसे पहले बात करते हैं इस रोम को जब मैंने इंस्टॉल किया तो वहां पे सिर्फ 12 एप्लीकेशंस ही दिखाई दे रहे थे, उसके कुछ टाइम के बाद में वहां से एक एप्लीकेशन गायब हो गई जो कि किसी तरह से सर्विस वगैरह की थी, वो शो हो रही थी। तो इसके अंदर हमें सिर्फ 11 एप्लीकेशंस ही देखने को मिलती हैं, जो कि इसे काफी ज्यादा लाइट वेट बना देती हैं। बहुत ज्यादा एडिशनल चीजें इसके अंदर ऐड नहीं की गई हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा लाइट ये रोम हो जाती है और रैम मैनेजमेंट उसी की वजह से काफी अच्छा हमें इसके अंदर देखने को मिल जाता है। और नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो आता है वॉल्टी और वाईफाई कॉलिंग, तो देखो वॉल्टी इसका बहुत अच्छे से काम करता है, वाईफाई कॉलिंग की बात करें वो भी बहुत अच्छे से काम करता है। मैंने इनको सिर्फ 2 ऑपरेटर के साथ में ट्राई किया, दोनों पे बहुत अच्छे से काम कर रहा था। पहला ऑपरेटर था मेरा एयरटेल पे दोनों चीजें अच्छे से काम कर रही थी, दूसरा था जियो के साथ में भी दोनों ही चीजें बड़े आराम से काम कर रही थी। इसी के अलावा अगर बात करते हैं डार्क मोड की, तो डार्क मोड के अंदर एंड्रॉइड 11 में एक नया फीचर आया है जहां पे आपको ऑटोमेटिक शेड्यूल वाला ऑप्शन दिया गया है, कस्टम शेड्यूल भी आप इसको कर सकते हो। तो डार्क मोड बहुत अच्छे से काम कर रहा था और साथ ही जो शेड्यूल वाला ऑप्शन था कि दिन में आपको व्हाइट मोड यूज करना है और रात में आपको वही डार्क मोड यूज करना है, तो वो चीज भी बहुत अच्छे से काम करती है। नेक्स्ट और जो मेन चीज आती है वो है साउंड, तो कस्टम रोम्स के अंदर हम अक्सर देखते हैं कुछ नॉर्मल सी कस्टम रोम्स होती हैं उनके अंदर हमें साउंड अच्छी देखने को नहीं मिलती, तो वैसी ही चीज इस रोम के साथ भी हमें देखने को मिल जाती है। अर्ली बिल्ट है, बहुत जल्दी इसको बनाया गया, एंड्रॉइड 11 रिलीज होने के 3 दिन बाद ही मुझे ये रोम देखने को मिल गई थी, हो सकता है उससे भी पहले आ गई हो, 1 या 2 दिन पहले आ गई हो, तो मुझे 3 दिन बाद मिली थी। मैंने इसको ट्राई किया, साउंड इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, साउंड से आप मेरे ख्याल से खुश नहीं होगे, सिर्फ काम चलाने लायक है लेकिन वैसा नहीं है जैसी परफॉर्मेंस हमें इस डिवाइस पे मिलनी चाहिए। और नेक्स्ट चीज़ की बात करें बैटरी बैकअप और चार्जिंग, तो भाई देखो बैटरी बैकअप जाहिर सी बात है अच्छा होने वाला है क्योंकि इसके अंदर आपको एडिशनल चीज़ें नहीं मिलती, रैम मैनेजमेंट भी अच्छा है। और चार्जिंग की अगर बात करें तो चार्जिंग टाइम इसका एवरेज है, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं है, मतलब अभी हमारा जो चार्जर है वो 10 वॉट 2 एम्पीयर के साथ में काम करता है, तो आप इसको एक तरह से हाफ मान सकते हैं, उसी पावर के साथ में आपके फोन को ये चार्ज करता है। यानी नॉर्मली अगर आपका फोन 3 घंटे में चार्ज हो रहा था तो इसके साथ में हो सकता है 5 घंटे या उससे ऊपर का समय चार्जिंग में ले ले, जो कि मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग चीज लगी है। और अब बात कर लेते हैं उन बुरी चीजों की जो मैंने नोटिस की है इस रोम में और जिन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया, मतलब उसके बाद में मुझे ये रोम अनइंस्टॉल अपने फोन में से करनी पड़ गई, इसीलिए मैंने इसको बहुत ज्यादा समय तक यूज नहीं किया। और ये रिव्यू इस तरह से बनाने का मतलब भी यही है कि मैं इसको 1 हफ्ते तक कैरी नहीं कर सका अपने फोन पे, लेकिन जो भी कमियां थी मैंने नोट कर ली थी और अब मैं आपके साथ में वो सारी चीजें शेयर करने जा रहा हूं। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं गूगल प्ले स्टोर में जो आपको सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन देखने को मिलता है, प्रोटेक्ट वाला सर्टिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूं, तो वो आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलता, जिससे क्या होता है आप कुछ एप्लीकेशंस अपने डिवाइस पे इंस्टॉल नहीं कर सकते और साथ ही आपके फोन में कुछ एप्लीकेशंस काम भी नहीं करती हैं। अब बात कर लेते हैं सेफ्टी नेट स्टेटस की, तो यहां पे फेलियर है, इस टेस्ट को इसने पास नहीं किया है। इसका सीधा सीधा इंपैक्ट आपके फोन पे ये पड़ेगा, जो भी आप अपने फोन पे बैंकिंग ऐप्स इस्तेमाल करते हो या फिर पेमेंट ऐप्स इस्तेमाल करते हो UPI वगैरह ट्रांजैक्शंस के लिए, वो ऐप आपकी इस डिवाइस पे इस रोम के साथ में काम नहीं करेंगी। नेटिव रूट चेकर मैंने इस पे चलाया था तो क्या रिजल्ट्स आए थे आप देख सकते हो, मैंने स्क्रीनशॉट आपके साथ में शेयर किया है, तो कुछ इस तरह के रिजल्ट्स आप देख सकते हो इस रोम के साथ मुझे इस डिवाइस पे देखने को मिले थे। और एक और चीज जो मैंने इसके साथ में नोटिस की है वो है सिक्योरिटी को लेकर के, यानी कि इसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। इसी के अलावा अगर बात करते हैं
फेस अनलॉक की, तो फेस अनलॉक भी आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिला है। ज्यादातर रोम्स के अंदर क्या होता है, आपको फेस अनलॉक नहीं मिलता, लेकिन फिंगरप्रिंट आपको वहां पे मिल जाता है। तो इसके अंदर आपको ना तो फिंगरप्रिंट मिलता है ना ही फेस अनलॉक मिलता है। और जी एप्स की बात करें तो हमने जी एप्स इसके साथ में जो मिले थे वो फ्लैश किए थे। अब जी एप्स के नाम पर हमें वहां पर क्या मिलता है, सिर्फ गूगल की सर्विसेज जो किसी भी डिवाइस के लिए जरूरी होती है। इसके अलावा हमें मिलता है प्ले स्टोर, बाकी की जो भी एप्लीकेशन आपको यूज करनी है वो आपको खुद से डाउनलोड करनी होगी, और कोई एप्लीकेशन इसके साथ में हमें प्रोवाइड नहीं की जाती है। और बात करें गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो भाई PUBG फिलहाल के लिए बैन है, लेकिन मैंने उसको यूज करके देखा था किसी दूसरे वर्जन को, तो यहां पे वो आपका नॉर्मल काम करता है जैसा इस Zenfone Max Pro M1 के स्टॉक रोम पे काम करता है। HD ग्राफिक्स होते हैं और हाई फ्रेम रेट, तो उसी सेटिंग्स पे PUBG हमारा इसमें भी काम करता है। और लास्ट चीज जो मैंने इसमें नोटिस की है, जब आपके कस्टम रोम के अंदर आपको किसी तरह की परेशानी आए, आपकी बैंकिंग एप्स वगैरह काम ना करें, तो आप मैजिस्क का इस्तेमाल करके वहां पे मॉड्यूल्स इंस्टॉल कर सकते हो जो आपकी इन चीजों को काफी हद तक सॉल्व करने में मदद करती है। लेकिन यहां पे मैंने मैजिस्क इंस्टॉल करने की कोशिश की थी इस रोम पे, लेकिन मैजिस्क मैं इंस्टॉल नहीं कर सका। मैंने मैजिस्क के zip फाइल को डाउनलोड किया, APK थ्रू भी मैंने ट्राई किया, और जैसे ही मैंने उसको फ्लैश किया या इंस्टॉल किया, उसके बाद में ऐप जो होती थी वो नहीं आती थी ड्रॉअर के अंदर, तो वहां पे मैजिस्क इंस्टॉल नहीं हो सका और ना ही मैं उसकी वजह से कोई भी मॉड्यूल वगैरह इस पे ट्राई कर सका। तो ये था इस AOSP Android 11 रोम का रिव्यू। उम्मीद करता हूं आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना। आपको कोई सवाल है या कोई भी रिकमेंडेशन है फ्यूचर वीडियोस के लिए, या किस तरह की रोम्स पे कर्नल्स पे आप वीडियोस चाहते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर देना मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं आने वाले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।